पार्टनरशिप का चैप्टर हम कर रहे हैं, और पार्टनरशिप के चैप्टर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट डिवाइड ना किया जाए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का दैट इज टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर, बिकॉज सभी पार्टनर्स बिजनेस के क्या हैं, ओनर हैं। तो ये तो होगा नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट क्यों एक ही पार्टनर को मिलेगा, नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, व्हाट एवर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस वी हैव टू डिवाइड अमंग द पार्टनर इन देयर सम शेयरिंग रेशियो। बेसिकली जब भी पार्टनरशिप का जो है बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो पार्टनर्स जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। और उस पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन की जाता है कि हमने जो प्रॉफिट को डिवाइड करना है वो कैसे डिवाइड करना है, व्हाट वुड बी द रेशियो फॉर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। तो हालांकि मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है रेशियो के अकॉर्डिंग, उसमें मैंने सिखाया था आपको। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियोज़ को नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक को क्लिक करके जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन नहीं होंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश वर्मा एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द टॉपिक ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट जो भी बिजनेस का हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट को हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अकाउंट बनता है बेसिकली प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो चलो आइए सीखते हैं इस अकाउंट को हमने अब बनाना कैसे है। था फर्स्ट डे मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस चैप्टर में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट मेरे बनानी होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक होती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने हमने सीख दिए थे उस दिन फर्स्ट डे। अब हम जो मेन टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। तो बेसिकली मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में दैट प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें पार्टनर्स में, और सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इसका फॉर्मेट है, तो ठीक है ये फॉर्मेट आप ध्यान रखो इसका। सबसे पहले है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड। याद रखो क्रेडिट साइड पे दो ही चीज़ें डालनी है, एक है नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। जो हमने जो कल 10 केस किए थे ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, उसी में से कोई ना कोई एक केस लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए। वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे चार चीज़ें डालनी है हमने मेन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन या बोनस, कोई रिजर्व अगर दिया होगा या कोई मैनेजर कमीशन दी होगी तो ही डालेंगे। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में शायद ही नजर आएंगी, एक आधे क्वेश्चन में होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी ये, ठीक है। तो मेन हमारी जो है ये तीन, ये इतनी चीज़ें हैं बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड, सैलरी टू साइड, कमीशन या बोनस टू साइड, और बाई साइड पे नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। फिर हम दोनों साइडों का प्लस माइनस करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था ना लास्ट ईयर में, दोनों साइडों का प्लस माइनस करना है। जो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट इधर आता है आंसर तो वो होगा प्रॉफिट, अगर आंसर इधर आता होगा तो लॉस। अब ये जो प्रॉफिट या जो लॉस आएगा उसको हमें क्या करना है, ए और बी में उनकी शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो भी हमें रेशियो क्वेश्चन में डी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट, गिनती की दो चीज़ें यहाँ पर हैं और तीन चार चीज़ें बस यहाँ पर हैं, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कभी भी कुछ और भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यही फॉर्मेट है इसका। डिफरेंस करेंगे दोनों साइडों का, द डेबिट और क्रेडिट साइड का। इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैन द डेबिट साइड द आंसर वुड बी प्रॉफिट, एंड इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड दैन आंसर वुड बी लॉस, एंड दैट प्रॉफिट एंड दैट लॉस इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर शेयरिंग रेशियो विच टू बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना करना कैसे है उसके लिए मैं आपको भी दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उनको ध्यान से समझो। तो ये दो क्वेश्चन हैं 31st एंड 32nd। सबसे पहले 32nd क्वेश्चन को देखेंगे हम, सॉल्व किया हुआ मैंने, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2003 विद कैपिटल 90,000 एंड 80,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, कि जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक्स को जो हमने कितनी सैलरी देनी है 2500 पर मंथ है ये, ठीक है। तो पर मंथ सैलरी है, इसको हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सैलरी कहाँ डालते हैं, टू साइड पे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज गिवन है।
कहता है जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन 3:2। तो आपको मैंने रेशियो का पहले ही बार से बताया था, 3 और 2 का मतलब है 3/5 एक्स का, 2/5 वाई का। और ये देखो हमें दिया है प्रॉफिट की लाइन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004। जो फर्म है उसका प्रॉफिट कितना टोटल 82,000 बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखो ये क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले हम मुझे डालना है नेट प्रॉफिट, हमेशा नेट प्रॉफिट डालना है सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढ कर। तो नेट प्रॉफिट में कितना दिया था क्वेश्चन में 82,000 हमने डाल दिया। अब क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालता है बाई साइड पे, वो क्वेश्चन में है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब हमें निकालना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखो क्या करेंगे हम, हमारी कैपिटल दी थी दोनों की 90,000 एंड 80,000 और इंटरेस्ट की परसेंटेज दी थी 8%। तो ये देखो एक्स का 90,000 का 8% आ गया 7,200 और वाई का 80,000 का 8% आ गया 6,400। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर हो गया हमें। इसके बाद हम डालने सैलरी, सैलरी हमें क्वेश्चन में दी थी उसने, ये दी है सैलरी 2,500 पर मंथ। ये देखो 2,500 है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया 30,000। अगर यहाँ पे ऑलरेडी एनुअल लिखा होता है पर एनम लिखा होता है फिर नहीं मल्टीप्लाई करना, पर मंथ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करके डालना है। अब ना तो क्वेश्चन में कोई कमीशन दिया है ना कोई बोनस दिया है, तो जो चीज़ें नहीं दी उसको इग्नोर करो, जो चीज़ दी हमने उसको डालना बस। तो ये 82,000 आ रहा है और इसका टोटल करो, देख के पता लग रहा है ये साइड कम है ये साइड ज़्यादा है, जो डिफरेंस आया ये देखो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। लेकिन अब इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, एक्स और वाई में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट आया 38,400, तो एक्स का कितना निकलेगा 38,400 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और वाई का 38,400 का 2/5, ये अमाउंट आएंगे यहाँ पे। कई बच्चे क्या करते हैं ये अमाउंट निकाल के बाहर लिख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखना है और जो एक्स एंड वाई का जो प्रॉफिट निकलेगा वो हमने अंदर दिखना है इसे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई पूछना कुछ पूछ लेना बाद में, ठीक है, फोन करके या व्हाट्सएप पे। तो ये क्वेश्चन आप फिर से देख लो, सबसे पहले हमने डाला नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है नहीं तो उसको इग्नोर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट की परसेंटेज दिया है, सिंपल आंसर निकाल दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी हमें दी है प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकाल दिया, उसको शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कृष्ण एंड बलदेव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, मतलब जितना प्रॉफिट कृष्णा का होगा उतना ही प्रॉफिट बलदेव का होगा। तो इक्वल का मतलब है दो पार्टनर है तो 1:1, ठीक है, 1/2 1/2। ऑन 1 अप्रैल को ये देखो उनकी कैपिटल डी हमें 40,000 एंड 60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिया हुआ है 11,000, 7 नहीं है गलती से लिखा हुआ है, 11 है, 11,200। कहते हैं अपना बताओ अमाउंट कितना कितना निकलेगा। फर्स्ट केस है क्वेश्चन में दो पार्ट है तो दो बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेंगे। पहला पार्ट उसने बोला है पार्टनर्स डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट डाल दिया मैंने 11,200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया 2 साइड पे, कृष्णा और बलदेव की, कृष्ण की कैपिटल 40,000 बलदेव की कैपिटल 36,000, दोनों का 10% करके आ गया 4,000 एंड 3,600। ना क्वेश्चन में कोई सैलरी है ना कोई कमीशन है ना कोई बोनस है ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में। 11,200 में से 4,000 माइनस करके आंसर आ गया 3,600, प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड कर दिया 3,600 का 1/2, 3,600 का 1/2 1,800 एंड 1,800। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है, वेन इट इज साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में पिछले ए पार में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 10%, अब इसमें वो भी नहीं देना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है क्या, अगेन इसका बी पार्ट, नेट प्रॉफिट 11,200, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी नहीं लगाना, अब तो अगेन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो यही हमारा आ गया प्रॉफिट। ठीक है, 5,600 दोनों का लिख के यहाँ इसको मैं सही करता हूँ, पहले ठहरो जरा। ठीक है, तो 11,200 नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई सैलरी कमीशन बोनस कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो यही आ गया हमारा प्रॉफिट 11,200 और दोनों में इसको डिवाइड कर दिया 1/2 1/2 5,600 5,600। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देख लो आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी सेटअप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2007, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, तो इन तीनों की कैपिटल है, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:5, 5:1:6, तो 3/6, 2/6, 1/6, तो एंड में काम आएगा। ए इज पेड सैलरी 2,000 पर मंथ, ये सैलरी ए की दी है 2,000 पर मंथ है, और डी की कमीशन दिया 10,000, तो इसके साथ पर मंथ नहीं दिखा, तो ये 10,000 का 10,000 ही आएगा, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इट इज प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के काम आएगा। इंटरेस्ट 540, 360 एंड 220 वाज चार्ज ऑन ड्रॉइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया एबीसीड का, और ये दिया हमें नेट प्रॉफिट 72,000। तो स्टार्ट करते हैं सीधा ही, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी। सबसे पहले दादा हमने नेट प्रॉफिट 72,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी की हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन थी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एजीज डाल दी तीनों की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे दिखना हमने, ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे दिख के टोटल दिख दिया बाहर। उसके बाद सैलरी दी थी सबसे पहले ए की 2000 सैलरी थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आ गया 24,000। कमीशन बी की आ गई 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, 1 लाख का 5% 5,000, क्योंकि 1 लाख ए की कैपिटल है, ठीक है ना। 80,000 जो है बी की कैपिटल है, तो 80,000 का 5% करोगे तो आएगा 4,000, और 60,000 दी है सी की कैपिटल, 60,000 का 5% करके आ जाएगा 3,000। मैं एक में दिख देता हूँ आपको ताकि किधर हो जाए थोड़ा। हाँ जी, फिर देख लो, 1 लाख ए की कैपिटल है, बी की 80,000 है और सी की 60,000 है, तीनों का 5-5, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्वेश्चन में दिया था 5%, ये 5% लगा के तीनों का आ गया 5 एंड 4 एंड 3, टोटल हो गया 12,000। अब और तो कुछ क्वेश्चन में रहा नहीं, नेट प्रॉफिट हमने डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल दिया, सैलरी डाल दी, कमीशन डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, इन दोनों को करेंगे प्लस, ये सारा माइनस करके आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 27120। 27120 का 3/6 ए का आंसर, 2/6 9040 बी का आंसर एंड 1/6 4520 सी का आंसर, ठीक है। तो 27120 प्रॉफिट आया था और रेशियो में दी थी 3:1, तो 3/6 27120 मल्टीप्लाई बाय 3/6 27120 मल्टीप्लाई बाय 3/6 एंड 27120 का मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास प्रॉफिट के आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज का टॉपिक इतना ही है, ये तीनों क्वेश्चंस को खुद रिजॉल्व करके देखना, ठीक है, और फिर आपको कल मैं आपकी किसी और टॉपिक को समझा दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। पी एंड क्यू रेशो डी है 4:1, अगेन 4/5 1/5, कैपिटल डी हमें 50,000 एंड 10,000, और पी को कहता है कमीशन देनी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। सबसे पहले देखो सैलरी डालेंगे, ये देखो सैलरी डाल दी उसने, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 60,000, और ये देखो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है टोटल 2,80,000 का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला, सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट डाला, ना तो क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, ना क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी है, सैलरी हमें दी थी, अच्छा कमीशन देखो कितनी बोली थी 10% बोली थी नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला उसने। इसका ये मतलब है जो नेट प्रॉफिट 2,80,000 है, इसमें से हमने सबसे पहले 60,000 माइनस करना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो नेट प्रॉफिट सैलरी चार्ज करने के बाद आएगा, मतलब 2,80,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,20,000, उसका करेंगे 10% तो आएगा 22,000, ठीक है। अब अगेन सारा माइनस करके ये प्रॉफिट आ गया 198,000, तो 198,000 का 4/5 1,584,000 और 198,000 का 1/5 ये आ गया 39,600, और ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन हो गए आज के, ठीक है, इनको अच्छे से समझो, इन्हीं क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो, ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।